तो देखिए माशाल्लाह आज निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह पे उर्स मुबारक चल रहा है और देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी सजावट हुई है। ये उर्स कितने दिनों का चल रहा है और कितने दिनों का चलेगा पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा माशाल्लाह। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह चिराग जलाया जा रहा है। जी बताइए, ये दुआ है जो आदमी है ना, तेल भी जरूरी है, ये चिराग भी रोशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि रोशन है। तो देख सकते हो उसके मौके पे निजामुद्दीन औलिया की बारगाह पे लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में ज़ियारत कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। बताइए कि कोई आपकी मन्नत कोई मुराद हो जो यहाँ से आपने मांगी हो जो पूरी हुई कुछ बता सकते हैं। तो ये जो उर्स होता है इसमें जैसे कोई शिरकत करना चाहता है जुजारीन तो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और क्या क्या होगा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह पे। आज से उनका उर्स स्टार्ट हो चुका है। तो कितने दिन का उर्स मनाते हैं यहाँ पर और किस तरीके से उर्स होता है और यहाँ पर आप लोग कैसे आ सकते हो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे दिल्ली में, तो पूरी जानकारी देंगे आपको बताएंगे। तो चलते हैं, कैमरा घुमाते हैं और आपको ज़ियारत भी कराते हैं और माहौल बताएं। और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं देखता हूँ आप वीडियो तो लाखों करोड़ों में देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आप। तो भाई देख सकते हो दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं आपको जामा मस्जिद जाने के लिए ना जनाब। जामा मस्जिद जाने के लिए यहाँ पे ऑटो मिल जाता है, पुरानी दिल्ली के लिए भी मिल जाता है। ये हमारे भाई जाने कितने रुपये लगता है ऑटो का भाड़ा जामा मस्जिद का? 120 रुपये जामा मस्जिद के। और ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का 150 रुपये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा वाजिब दाम यहाँ पे लेते हैं ऑटो वाले भाईजान। और आप लोगों को निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे छोड़ देंगे। ये मैंने आने के लिए रास्ता बताया है, अब यहाँ से दरगाह शरीफ जा रहा हूँ। आज उर्स स्टार्ट हो चुका है, आज के लिए पूरा जानकारी देंगे आपको। तो आप देख सकते हो हम लोग निजामुद्दीन दरगाह की तरफ पहुँच चुके हैं। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह, वहीं लेंगे। देखिए उसके मौके पर यहाँ पर माशाल्लाह कितना खूबसूरत माहौल है। और ये मस्जिद मरकज है जो तुमको बताया था मैंने पहले भी वीडियो में। यहाँ पर फूल चादर की दुकान है माशाल्लाह। और ये पूरा मार्केट लगता है रात के टाइम यहाँ पर। देखिए ये खाने पीने की यहाँ पे जूस वगैरह की दुकान भी है, आप आओ तो यहाँ पे जूस वगैरह भी पी के जा सकते हो गन्ने का। और ये देखिए ये मरकज है मस्जिद जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी उस समय न्यूज़ में, देख सकते हो। ये पूरा मार्केट यहाँ पर भी लगता है। अभी उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ तो उसके बारे में ही दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, बड़ा भारी मरकज भी है माशाल्लाह। और यहाँ पर ये देखिए ये मस्जिद मरकज है और ये निजामुद्दीन औलिया दर रहमतुल्लाह की बारगाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर टोपी वगैरह आपको मिल जाएगी माशाल्लाह, टोपी आप लेके जा सकते हो। कितने की जनाब ये टोपी? 100 रुपये की है। और ये वाइट वाली सब 100 रुपये की है। तो गाइस देखिए मात्र 100 रुपये की टोपी, बहुत खूबसूरत लग रही है, आप आओ तो यहाँ पे लेके जा सकते हो। डेली लगाते हो ना भाई यहाँ पे आपकी दुकान? ठीक है भाई, यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सारी दुकानें हैं। और ये जो भाई की दुकान है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको जो चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे इन भाई की क्या बोलते हैं इसको, रबड़ी। तो देखिए यहाँ पर रबड़ी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे को यूनिक लगती है ना वो चीज़ है मेरे लिए सबसे अच्छी, ये यहाँ पर मीठा समोसा मिलता है यानी गुजिया वाले समोसा। कितने का भाई ये समोसा? 15 रुपये का गुजिया वाला समोसा यानी मीठा समोसा आप खा के खा सकते हो यहाँ पर अगर आप आओ। और यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस वगैरह सब मिल जाते हैं। गाइस ये मेरा दोस्त है, आज मुझे मिला बड़े दिनों के बाद। मैं दिल्ली जब भी आता हूँ ना मेरे दोस्त के पास तो ये मुझे कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता है और बिना मोहब्बत के बेचता नहीं, ऐसा क्यों भाई? भाई बचपन की मोहब्बत है इसलिए नहीं बेचता भाई। सही बात है, बचपन की दोस्ती हमारी। दिल्ली वालों का दिल बड़ा होता है बेशक, सुभान अल्लाह। तो देखिए आज मैं कितने समय बाद आया, एक साल हो गए होंगे मेरे को, दो साल बाद आया हूँ मेरे दोस्त के पास। देख लो तो इतना भाई मेरे से मोहब्बत करता है कि आज मिलते मेरे को गले लगाया और बोला खान मेरा दोस्त आ गया यार, बहुत खुश हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यार मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं, आप लोग मिलते हो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी सजावट हुई है माशाल्लाह। वहाँ ये देखिए वहाँ से हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह की देखिए उर्स का मुबारक के मौके पे यहाँ पे सजावट की देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। यहाँ सीप का वाप भी आपको मिल जाती है, आप खाते हुए जा सकते हैं। कितने रुपए प्लेट है भैया? 50 रुपए प्लेट है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए फुल चादर आपको इतर वगैरह अंगूठी वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे आपको, देख सकते हो माशाल्लाह जो चाहिए आपको यहाँ पे सब मिल जाता है। देखिए मौला अली के नाम का लॉकेट भी मिल जाएगा। ये मौला अली के नाम का लॉकेट कितने का भाईजान? 50 रुपए का। मेन तो इतर है यहाँ पे है ना, ये कितने कितने के है? अच्छा अंगूठी और ये पत्थर भी मिल जाएगा ना। देखिए सुरमा भी मिल जाएगा आपको, इतर भी मिल जाएगा और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की रहमतुल्लाह की बारगाह की फोटो। अतर हर तरह के आती है। ये कितने कितने के स्टार्ट है अतर? 30 के हैं, 50 के, 80 के, 100 के, जैसा 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 चीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा चीज वैसा ऐसा। ये फूल मिल जाता है आपको 10-20 रुपए के, आप फूल भी ले जा सकते हो। ये देखिए माशाल्लाह तस्बीह वगैरह मिल जाएगी आपको। ये देखिए यहाँ पे खाने की होटल है, यहाँ पे आपको खाने की होटल भी मिल जाएगी और यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस वगैरह ही। देखिए ये गेस्ट हाउस है, आपको होटल रूम रहने के लिए रूम वगैरह भी यहाँ मिल जाते हैं 500-700 रुपए में और बाकी पेट भर के यहाँ पे 200-300 रुपए में खाना खा सकते हो आप लोग। देखिए खाने के होटल भी दरगाह के पास में है, 200-300 रुपए में पेट भर के आप लोग खाना खा सकते हो यहाँ पर। और यहाँ फूल चादर की दुकान है, देखिए फूल चादर भी ले सकते हो आप लोग। फूल चादर वगैरह सब मिल जाती है माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए तस्बीह वगैरह जो चाहिए तस्बीह वगैरह भी मिल जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह। तो देखिए दरगाह के यहाँ पे एक गेट ये शुरू हो गया है, सजावट वगैरह हो गई है यहाँ पे। देखिए माशाल्लाह दरगाह शरीफ, ये देखिए सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत प्यारा मंजर है। अभी आपको पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह, आपको पूरी जानकारी दे के बताएंगे। ये देखिए निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की बारगाह। यहाँ से भी रास्ता है, अगर जाना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी रास्ता है। ये देखिए सुभान, तो आप देख सकते हो मैं दरगाह शरीफ के मेन गेट के पास पहुंच चुका हूं और रात के बज चुकी है 9 के आसपास में। और यहां पर आप देख सकते हो ये किताब की दुकान है, यहां पे आपको हर एक किस्म की आपको किताब मिल जाएगी जो आपको चाहिए। इसमें देखिए आला हजरत के नाम की यहां पे किताब आपको मिल जाएगी जिसमें काफ़ी सारी जानकारी है निज़ामुद्दीन औलिया की रहमतुल्लाह की बारगाह में। आपको हर तरह की किताब मिलेगी जहाँ पे आप वली अल्लाह के बारे में, बुजुर्गों के बारे में जानकारी ले सकते हैं किताब के थ्रू। ये देख सकते हो ये लिखा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के 3 वली। तो इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं दरगाह शरीफ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं यहाँ के बारे में अब जानकारी करके आपको बताऊँगा कि उर्स कितने दिनों का और किस तरीके से मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर जो हमारे खादिम साहब रहेंगे उनसे जानकारी लेंगे। तो मैं दरगाह शरीफ आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमारे खादिम साहब मिल चुके हैं, तो आज उर्स का मौका है, तो आज हम हजरत से जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में कि हजरत चलते चलते हम बात करेंगे। जी हजरत मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो उर्स होता है कितने दिनों का होता है और किस तरीके से यहाँ पे उर्स मनाया जाता है? ये 720 उर्स शरीफ है जी, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का जी, जो कि उर्दू तारीख जो रहती है 16 रबीउल सानी से लेके 20 रबीउल सानी तक जारी सारी रहता है जी। और जो इस वक्त की जो अंग्रेजी तारीख है वो है 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जी। आज उर्स शरीफ का आगाज हो गया है माशाल्लाह जी, और तिलावत कुरान से उर्स का आगाज होता है जी। नज़्र नियाज लंगर भी पेश करे जाते हैं और सब लोगों के लिए दुआ करी जाती है जी। और आज उर्स शरीफ का आगाज हो गया है और कल 2 नवंबर 2023 को रात को ईशा के बाद कुल शरीफ होगा, फातिहा होगी, और परसों 3 नवंबर 2023 को बड़ा कुल शरीफ होगा इंशाल्लाह जी। और सबके लिए हम दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको खुशआबाद रखे, हुजूर आमीन बेलाई अपने दरबार में सबको खुशियों के साथ हाजिर नसीब अता फरमाए, और जो गैर हाजिर हैं जो नहीं आ सके उसको आपके वीडियो के जरिए माशाल्लाह
वो लोग शिरकत अता है। बेशक। तो ये जो उर्स होता है तो चांद की कौन सी तारीख? ये 16 रजब सानी से 20 रजब सानी तक जारी, मतलब 3 दिन का उर्स होता है। 5 दिन। अच्छा 5 दिन, 18, 19, 20। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हुआ है। हाँ, 1 नवंबर से 5 नवंबर। ठीक है, तो ये जो उर्स होता है इसमें जैसे कोई शिरकत करना चाहता है जुजारीन, तो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं और क्या क्या होगा इसमें? देखिए, पूरी फातिहा होती है, तिलावत कुरान से शुरू होता है, और नजर नियाज भी पेश होते हैं, फूल चादर के तोहफे पेश होते हैं, लंगर भी पेश होता है जी, और महफिल समा कवाली का भी अहतमाम रहता है, और प्रोग्राम तकरीर महफिल मिलाद मुनक्किद होती है। माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जी, और सबके लिए हम तो दुआ ही करते हैं, और आप माशाल्लाह आ जाएँ, हर बार आते हैं आप भी। बेशक। तो और अपने फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करते रहते हैं, बेशक बेशक के लिए दुआ करवाते हैं स्पेशली। तो अभी हम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की बारगाह के ठीक सामने खड़े हैं। जब भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में आते हैं तो पहले हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, ज़ियारत करते हैं, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह की बारगाह में ज़ियारत करा दीजिए सबको। यहीं से मज़ार शरीफ की बात, ये सबसे पहली ज़ियारत की हज़रत के बांधे का मज़ार है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह की, माशाल्लाह। तो देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है, माशाल्लाह। आप आएँ और ज़ियारत करके जी, आप जिनको अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर महबूब इलाही की बारगाह में हाज़िरी करेंगे जी, सबके लिए इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। बेशक। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह चिराग जलाया जा रहा है जी, बताइए। ये दुआ है जो आदमी है ना, तेल भी जरूरी है। हाँ। ये चिराग भी रोशन करना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि रोशन है, ये करते हुए आए तो हम भी सब लोग रोशन कर रहे हैं। कोई किसी के नाम से तेल डाल लिया है, कोई किसी से दुआ कर लिया है, अल्लाह यहीं से कबूल करता है। वैसे तो देने वाला अल्लाह, सब काम अल्लाह ही कर रहा है, मगर ये है कि इन लोग इनकी दुआओं से भी हमें सबको मिला है, हमें सबको ये मिला है, सबको, ये नहीं कि हमें, सबको, पूरी मतलब हिंदुस्तान को जितना भी जो भी पूरी दुनिया में जो भी मिला है, सब इन्हीं की वजह से, इनकी दुआओं की वजह से सब सिलसिला सब जगह जारी रहा। क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े जो चलाते थे ये सब लोग आपस में मिलकर, मतलब ये कहे आपका अकीदा है कि कभी दरगाह शरीफ में जाए तो अगरबत्ती जी, हाँ, जरूरी है, ये एक जरूरी है, कोई ये मांग नहीं रहा, ये हमारा ये अकीदा है कि हम ऐसा करके आएंगे और ऐसा ऐसा होगा, ये जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम, वेलकम रहता हूँ। कहाँ से? सीलमपुर। वेलकम, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे चिराग भी रोशन करते हैं लोग अपने अकीदत के हिसाब से। देखिए यहाँ पे और भी सारी दरगाह शरीफ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ज़ियारत कराऊंगा। देखिए निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये दरगाह शरीफ की हमने ज़ियारत करा दी। एक दरगाह शरीफ के बारे में मैंने यहाँ सुना हुआ है कि एक मज़ार यहाँ पे टेढ़ा भी है जी। देखिए माशाल्लाह दरगाह शरीफ सज चुका, कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। अभी चलते हैं और भी जानकारी देते हैं। ये यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, किन का मज़ार शरीफ? जहानारा का और पुराने बादशाह का, पीछे भी मज़ारात हैं, काफी मज़ार हैं जी, खलीफा के वक्त। अच्छा अच्छा, और ये वाली दरगाह शरीफ यहाँ पर मज़ारात हैं सब मुरीदों में। अच्छा, सब मुरीदों में से। ठीक है माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे अगरबत्ती और चिराग जलाते हैं। अच्छा, चिराग की हजरत ये भी मान्यता है कि उन्होंने एक चिराग को पानी से जला दिया था, वो भी वाकया मिलता है ना? हजरत रोशन चिराग देलवी रहमतुल्लाह का वाकया है जो जी, जानशीन और मुकीद और खलीफा है जी, निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर महबूब इलाही के जी। जब आपका मरम्मत और काम चल रहा था, तामीर हो रही थी जी, तो उस वक्त बादशाहों ने तेल बंद कर दिया था कि यहाँ तामीर ना हो सके जी, तो आपने अपने मुरीद और खलीफा को हजरत रोशन चिराग देलवी रहमतुल्लाह, उनका लक़ब भी चिराग देलवी इसलिए पड़ा जी, रोशन चिराग देलवी, ताकि जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, जाओ वहाँ से पानी लो, बावली का जो पानी है जी, और उसको दिए में जाके चिराग रोशन करो। तो आपने जब पानी को चिराग के अंदर डाला और रोशन कर दिया पानी से चिराग, तो तब से उनका लगा रोशन चिराग दिल भी पड़ा। हज़रत महमूद नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल भी रहमतुल्लाह जिनको कहा जाता है, के जानशीन भी और खलीफा भी, माशाल्लाह। तो इसी तरीके से जो जारीन आते हैं अकीदत के नजराना के तौर पे चिराग और तेल पेश करते हैं, यहाँ पर चिराग जलाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे कवाली का प्रोग्राम करा गया है, पूरा कवाली चल रही है माशाल्लाह। देखिए ये देखिए सुबह सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत है।
देखिए पूरी दरगाह शरीफ को कितना खूबसूरत प्यारा तरीके से सजा दिया गया है। अभी और भी सजावट होगी तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं माशाल्लाह। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद का भी कुछ वाकया मिलता है जनाब। खिलजी मॉस्क कहा जाता है, खिलजी मस्जिद। खिलजी मस्जिद जी, खिलजी बादशाह के बेटे ने तामीर कर रहा था जी। तो महबूब इलाही की बारगाह में बहुत चीज़ें तोहफे नजर ने काफ़ी पेश करना चाहा, लेकिन हुजूर महबूब इलाही ने कबूल नहीं करा था जी। अल्लाह की मजा के लिए मस्जिद तामीर करी जी। तो यहाँ पर तकरीबन 800 साल तकरीबन ये भी पुरानी मस्जिद है। 800 साल पुरानी मस्जिद है जी, 800 ईयर्स जी। यहाँ पे जितना भी कुरान शरीफ के आयत है लिखी है जी, गेट पर भी लिखी है, पूरी पूरी सूरह लिखी है जी। और ऊपर सोने का बाउल है जब, अच्छा ये अंग्रेज आए थे जी, तो उस वक्त भी उन्होंने इसको निकालने की कोशिश करी थी जी। इस तरह का मतलब बंदूक का वो भी है, तो ये नीचे नहीं गिरा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जिंदा करामत है यहाँ पे माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कितना खूबसूरत प्यारा बारगाह को सजाया गया है, और अभी पूरी सजावट होगी वो भी और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए मैं दरगाह शरीफ में था, ये हमारा छोटा सब्सक्राइबर, कहाँ से हो तुम? हैदराबाद से हो, हमारी वीडियो देखते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए भाई छोटा हमारा सब्सक्राइबर हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सारी वीडियो देखते हैं माशाल्लाह। कैसा लगता है वीडियो देख के, क्या समझ में आता है? जरूरत हो जाती है। चलिए माशाल्लाह, ये खिदमत एक खल के मैं करता था, करता रहूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों तक जानकारी इंशाल्लाह मैं पहुँचाता रहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगा करके जितने भी ज़ायरीन आते हैं उन लोगों का सलाम वालेकुम, कैसे हो, खैरियत? कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं आप? यहीं से हो माशाल्लाह। कैसा है आज का माहौल? आज उर्स का मौका है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, मतलब उर्स के मौके पे अक्सर आप आते हैं और इस तरीके से लंगर आम जारी है, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? मतलब सरकार के नाम का लंगर मिल जाता है जी, महबूबे इलाही है लंगर, क्या कहना। यहाँ तो हर गरीबों को, हर जब राजा महाराजा को मिलता है तो गरीबों को क्यों नहीं मिलेगा? बेशक सुभान अल्लाह, मतलब ये है कि एक बार तबर्रुक थोड़ा सा मिल जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक, तो देखिए यहाँ पे लाइन लगा कर किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ के खादी मजरात हैं या फिर जायरीन जो आते हैं यहाँ पे, देखिए लंगर को लाइन लगा कर के जायरीनों में तकसीम करा जाता है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज लंगर यहाँ पे बैठा के खिलाया जाएगा, और उसके मौके पे यहाँ पर आप देख सकते हो जायरीन जो अजमेर, जो जायरीन किसी भी कहीं से भी जो आते हैं जायरीन, उन लोगों के लिए लंगर का हर चीज़ का इंतजाम करते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत। देखिए हमारे अजमेर शरीफ से खादिम साहब भी आए हैं जी, आप लंगर करवा रहे हैं, मैंने देखा है आपको, तो माशाल्लाह ये हर साल करवाते हैं आप जी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है, हुजूर महबूब इलाही के करम है खास, तो यहाँ पे हमें सादत हासिल होती है कि यहाँ पे कोशिश रहती है कि हमेशा कंटिन्यू रहे, यहाँ पे लंगर चलता रहे, जारी और सारी रहे। तो ये जो लंगर आप कराते हैं ये सुबह शाम होता है या दोपहर को और शाम को होता है जी? मगर अभी तो खास एहतमाम है जी के मौके के ऊपर जी। दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे, हुजूर महबूब इलाही के बारगाह के जरिए बेशक सुभान अल्लाह हासिल हो लंगर को और जारी और सारी रहे। यहां पर आपका बिठाकर लंगर दिया जाता है, तकसीम कराते हैं माशाल्लाह, सबको बिठाएंगे जी बिना किसी भेदभाव के, देर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहां पे लंगर का एहतमाम रहता है, सब लोग खाते हैं हर मजहब व मिल्लत के बैठ के यहां लंगर का एहतमाम में। तो ये 5 दिन तक लंगर आम जारी रहेगा यहां पे इंशाल्लाह, मतलब वैसे भी यहां तो 12 महीने माशाल्लाह
के लंगर पड़ा रहता है और बाहर भी लाइन लगकर वहाँ भी तकसीम हो रहा है हर जगह माशाल्लाह लंगर ही लंगर आपके यहाँ नजर आए और सबके लिए दुआ ही होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लंगर का भी इंतजाम होगा, वो भी आपको दिखाएंगे, हम भी शिरकत लेंगे। जैसे कि आपको पता है गाइस, हम आज महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे आए हैं। आज मैंने ज़ियारत करी और उसका मौका चल रहा है। आप लोगों को पूरी जानकारी अपडेट हजरत ने हमारे को दी, हमारे को अच्छे से ज़ियारत कराई, पूरी जानकारी दी माशाल्लाह, इनका तहे दिल से शुक्रिया। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पा रहे, मैं इनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा उनके लिए प्लीज़ दुआ कर दीजिए जरा। सबके लिए दुआ कर देते हैं। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अस्सलाम अलैका सलाम अलैका रजी सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम अलैका नादार सलाम तबारक रब्बना व तआली फी अज़ल जलाल वल इकराम या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन या रसूल अल्लाह उंज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नी फी बहर हम मुग़रक़ुन जुज़ यदी साहिरना नाशकालना। बड़ा दरबार आली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, जहाँ में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। निज़ाम दर बदर जाने की तुझको क्या ज़रूरत है, बस एक दरवाज़ा काफ़ी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, बस एक दरवाज़ा काफ़ी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। या हुज़ूर महबूब इलाही सुल्तानुल मशायख से ज़रबख्श, आपके तमाम चाहने वाले मानने वाले हमारे मिस्टर खान भाई भी हाजिर मोहम्मद हैं और हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं पूरी दुनिया से जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, हुजूर सबकी हाज़िरी इस लाइव के जरिए इस वीडियो के जरिए कबूल फरमाएं, अंगूर अता फरमाएं, मकबूल अता फरमाएं। आज आपका उनसे मुबारक का आगाज़ हो गया, आज पहला दिन है, कल भी कुल शरीफ है, परसों बड़ा कुल शरीफ है। हुजूर जितने इस वीडियो के जरिए हाजिरी करेंगे सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। हम अल्लाह के वली हैं, आप आपके वसीले से, क्योंकि आप खुदा के महबूब के महबूब हैं, महबूब इलाही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला सबको रोजगार अता फरमाए, जो बीमार हाल हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कुल्ली से तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो घरों में परेशान हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए, जो जो जिसके दिलों में मकसद जायज़ तमन्नाएं मुरादे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के वसीले से सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी अता फरमाए। जिन घरों में परेशानी अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर हों, नजर बस से सबकी हिफाजत हो, हम सबकी बला इस्मानी बला शैतानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत अता फरमाए, जान माल इज्जत आबरू की अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत अता फरमाए। या इलाही वक्ते कुछ राहत दिल अहमद अता फरमा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बला रब से दे कर बला के वास्ते। या हुजूर महबूब इलाही अपने दामन पाक के साए में अपनी हिफाजत में अपनी पनाह में रखिए, सबका भला हो सबकी खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हर एक वली अल्लाह की बारगाह में जब हम जाते हैं ना कोई उनकी शान और कोई ना कोई उनकी करामत होती है, तो जैसे कि हम निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे आए हैं, तो इनकी शान के बारे में इनकी करामत के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए वली अल्लाह की जितनी शान बयान हो उतनी कम है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है कि इसकी शान कितनी है। बैर कैफ मैं आपको एक थोड़ा सा वाकया बताऊंगा मखूब जी, कि जैसे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में भी आपने देखा, यहाँ भी लंगर तकसीम हो रहा है, पीछे भी हो रहा है, वहाँ बिठा कर भी अहतमाम है माशाल्लाह, और सबके लिए दुआ करी जा रही है जी। तो ये हम लोग एक कोशिश करते हैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का, जो जब आप ज़ाहिरी तौर पर हयात थे तो आपके लंगर खाना इतना वसी था कि बाज़ किताबों में आता है 70 मन नमक यूज़ होता था, 70 मन नमक यूज होता था नमक। तो लंगर की क्वांटिटी, खाने की क्वांटिटी कितनी होगी आप अंदाज़ा लगाइए। बेशक सुभान अल्लाह। आज भी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, और ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, भूखों को खाना खिलाना। बेशक सबसे पसंदीदा अमल जो अल्लाह को है वो भूखों को खाना खिलाना, और भी बहुत सारे अमल हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, उनमें से एक अमल ये है भूखों को खाना खिलाया जाए। तो ये महबूब इलाही की बारगाह में हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से महबूब इलाही की बारगाह में लंगर आम तकसीम होता था, वैसे ही हम यहाँ कोशिश कर सकें, और लोग भी माशाल्लाह इसमें शिरकत करते हैं सबकी तरफ से, और हम तो सबके लिए दुआ भी करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके कारोबार में खूब बरकतें दे और इन वली अल्लाह का फैज सबको हासिल हो। मैं आप सबका दुआगो सैयद अदीब निज़ामी सजादा नशीन और इंचार्ज दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से, और दरगाह शरीफ के मुतालिक आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नंबर चला जी, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करिएगा क्योंकि ज़्यादातर कॉल रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। से मांगू तो किसे मांगू, तेरा हूँ मैं तुझे से वाह।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई लोग गुजरात से आए माशाल्लाह, अहमदाबाद से आए हो। जब आप यहाँ निजामुद्दीन औलिया के बारगाह पे आते हैं तो यहाँ के बारे में आपने बचपन से क्या सुना है और यहाँ पर क्या हसरत और क्या मन्नत लेकर के आते हैं, आप बताएं कुछ। यहाँ पे दिल को बहुत सुकून मिलता है जी, यहाँ पे हर मुराद लेके आता है वो मुराद पूरी होती है। महबूब इलाही का आस्थाना है ये, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह अल्लाह के। तो गुजरात में कहाँ से हो आप? अहमदाबाद ढोलका। अच्छा अच्छा, ढोलका से। अच्छा ये बताइए कि कोई आपकी मन्नत, कोई मुराद हो जो यहाँ से आपने मांगी हो जो पूरी हुई, कुछ बता सकते हैं? जी मैंने बहुत कुछ मेरी स्टडी के लिए, मतलब मेरी लाइफ के बारे में, मेरे सब बिजनेस है, मुझे मेरे पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया सरकार के सबके में मेरे बहुत कुछ हासिल हुआ है माशाल्लाह। तो यहाँ आने से बहुत कुछ हासिल हुआ है आपका और दुआएं कबूल होती है, बिन मांगे भी मिलता है यहाँ, सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाकी। आपका? मोहम्मद जुहैब। ठीक है, बहुत तरीके से जगह जगह आपको लंगर बांटते हुए, यहाँ पे भी देखो लंगर बैठ रहा है, वहाँ पर भी गया था वहाँ पे भी लंगर बैठ रहा है, वहाँ लंगर बैठा के खिला रहे हैं, यहाँ पे जगह जगह आपको लंगर ही लंगर मिलेगा माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह, आज निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे उर्स मुबारक चल रहा है और देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी सजावट हुई है। ये उर्स कितने दिनों का चल रहा है और कितने दिनों का चलेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे उर्स मुबारक चल रहा है, सुभान अल्लाह। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है माशाल्लाह, मैंने यहाँ का पूरा ब्लॉग बना दिया है और इंशाल्लाह अभी मैं देवा शरीफ भी जाने वाला हूँ, 2, 3, 4 तारीख तक 5 तारीख तक मैं देवा शरीफ रहूँगा, तो वहाँ का भी उर्स का पूरा अपडेट दूंगा किस तरीके से उर्स मनाते हैं और यहाँ का भी अपडेट दे रहा हूँ और देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अभी आपको पूरा अपडेट दे दिया है, मैंने पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दिया है कैसा क्या माहौल है और इंशाल्लाह जो पूरे प्रोग्राम होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और 5 तारीख को भी जो प्रोग्राम होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।